नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आज 4 नोटिस आपकी जारी की गई, जिसमें अलग अलग मैं बात करूं भिन्न भिन्न नोटिस में क्या चीजें कैसे रही आपके सामने एक तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ इसमें जो है ट्रिपल एससी के द्वारा आज कई दिनों के बाद आपकी लगातार सूचनाएं रही। और इसमें पहली जो आपकी सूचना रही वह पीटी एग्जाम को लेकर के रही। जो पीटी एग्जाम आपका है, यह आपका एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर में आयोजित होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ 35 जो है आपके जिलों में आयोजित होगा और कुछ सेंटर दिए गए हैं, भिन्न भिन्न सेंटर दिए गए हैं। तो एग्जाम को लेकर के जिनका एग्जाम लगा है वो लोग अपनी तैयारी बढ़ा लें। अभी हालांकि एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। दूसरी खबर जो रही, इसने कुछ आपके सिलेबस जारी किए हैं जो भिन्न भिन्न आपकी भर्ती थी उसको लेकर के। एक तो एक्सरे टेक्नीशियन का आपका सिलेबस जारी हुआ है, ठीक है। और दूसरी जब हम बात करें तो इसी में आपका जो इन्फोर्समेंट जो है कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आई थी उसका भी आपका जो है आज सिलेबस जारी हुआ है। और एक आपका जो है उसकी वैकेंसी आपकी आई थी डेंटल हाइजीनिस्ट की, तो उसकी भी जो है सिलेबस आपका जारी हो चुका। अच्छा, यूपी ट्रिपल एससी में इधर आप देख रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी जो पद होते हैं, अभी तक क्या होता था कि कोई भी वैकेंसी उसमें पद का मतलब नहीं होता था, मतलब पद क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, उसके पाठ्यक्रम में कोई चीज देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा इधर का जो भी पाठ्यक्रम, चाहे बीपीओ की बात की जाए, चाहे आज आपके 3 पाठ्यक्रम जारी हुए, इनमें अब आपके जो पद हैं, पद से संबंधित जो आपका कार्यक्षेत्र है उसी से संबंधित आपकी नॉलेज ली जा रही। ये एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। परीक्षाओं में अगर जिस पद के लिए कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा, अगर उसे उस पद से संबंधित चीजों को पढ़ना है, ठीक है, तो उसका वो लगेगा कि हाँ, हम कोई सार्थक पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से मोटिवेशन भी अपने आप मिल जाएगा कि भाई फला पद की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप हमें सिलेबस पढ़ना। अभी तक क्या होता था, सारी चीजें घालमेल थी, ठीक है, खिचड़ी वाली स्वरूप थी। लेकिन अब चीजें अलग हो रही हैं, जो भी पद आपका हो रहा उस पद में उसी पद से संबंधित ही चीजें पूछी जा रही हैं। जैसे इसमें भिन्न भिन्न आपके जो बदलाव हुए, इसमें अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली, क्या क्या पाठ्यक्रम में बदलाव देखने को मिले, तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट कॉन्स्टेबल की। ये जो वैकेंसी रही, इस वैकेंसी की अगर बात की जाए तो इसमें अभी जो चीजें आई हैं, कुल जो नंबर आप इसमें पोस्ट थी, टोटल आपके जो पद थे, टोटल पद इसमें थे 477, ठीक है। कुल पदों की जो संख्या थी, ये कुल पदों की संख्या 477 थी, ठीक है, 477 थे। और इसका आवेदन भी आपका 7/7 से लेकर के 28/7 तक रहा, मतलब जुलाई में यह आपका फॉर्म आया था और पीटी के बेस पर था। अब तक इसका सिलेबस नहीं आया था, लेकिन इसके लिखित जो आपका एक तरीके से पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम आपका जारी हो चुका है। इसमें अगर बात की जाए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो एक आपका प्रश्न पत्र होना है और जिसमें 2 भाग होंगे, ठीक है। भाग एक पदहित निर्धारित पाठ्यक्रम, इसमें 100 प्रश्न है जिसके प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी। और भाग 2 में कंप्यूटर प्रवीणता संबंधी पाठ्यक्रम जिसमें 50 प्रश्न। तो इसमें टोटल नंबर आप जो है क्वेश्चन जो है वो आपके 2 पेपर में है, एक में 100 प्रश्न आना है और एक में 50 प्रश्न जिसमें कंप्यूटर प्रवीणता संबंधी पाठ्यक्रम है, ठीक है। और इन दोनों में आपका 33% आपका 17 अंक अर्जित करने जो है, मतलब इसमें सेकंड वाले में जो कंप्यूटर इफिशियंसी का आपका एक तरीके से वो है पेपर है, इसमें 33% न्यूनतम अंक लाने, यानी 17% आपको चाहिए। पहला पेपर तो मेरिट बेस है, उसी के आधार पर छांटे जाएंगे, तब सेकंड पेपर आप देंगे। तो कंप्यूटर आपके लिए जिन्होंने ये फॉर्म डाला है उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी, ठीक है। और इसमें कुल समय अवधि 2 घंटे की है, ये भी ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। साथ ही साथ इसमें जब हम बात करते हैं, नेगेटिव आपका पॉइंट जो है 1/4, यानी 25% नेगेटिव है। इसमें अगर बात की जाए कि पहले 100 प्रश्न के लिए आपका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, तो पहले 100 प्रश्नों के लिए आपका पाठ्यक्रम है सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में। इससे 20 प्रश्न होंगे पर्यावरण के अनुकूल आधुनिक सड़क परिवहन के साधन उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर के, 20 प्रश्न इससे होंगे। सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी के लिए 25 होंगे। सामान्य प्रशासन एवं तकनीकी ज्ञान संबंधी सामान्य जानकारी 15 अंक की रहेगी और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20। कुल आपके 100 प्रश्न आएंगे, 100 आपके अंक होंगे। इसी के आधार पर आपका सेकेंड जो एक तरीके से कंप्यूटर इफिशियंसी टेस्ट है
उसमें आपका जो है सिलेक्शन होगा। 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट का है, नेगेटिव मार्किंग है। साथ ही साथ इसमें यह भी जारी कर दी गई है जो आपकी कंप्यूटर संबंधी प्रवीणता है, इसका टेस्ट सेकेंड लेवल जो है, सेकेंड लेवल में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 अंक, और इसमें से आपको 17 अंक लाना कंपलसरी है, तभी भैया चयन होगा आगे। तो इसमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं को इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। अब एक तो कंप्यूटर संबंधित पूछेगा, इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, ठीक है, आईटी सेक्टर भी रखेगा, और इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का ज्ञान, जितने भी आपके न्यू डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, खासतौर पर रोल ऑफ AI समझते हैं, उनसे संबंधित सवाल आपके सामने अच्छे खासे होंगे। तो जिन्हें भी इसमें कंप्यूटर से संबंधित चीजें पढ़नी है, अच्छा इस बार जो है ये बहुत बढ़िया कर रहा कि जो भी पॉइंट दे रहा उसके सिलेबस भी जारी कर रहा कि क्या क्या पढ़ना है, अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिलता था, पूरी चीजें दी है कि जैसे आपका सार्वजनिक परिवहन संबंधी आवश्यक जानकारी में क्या क्या पढ़ना है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्रियाशील एवं निर्माणाधीन विभिन्न एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय राजमार्ग, उनकी उपयोगिता, ODR, MDR, ग्रामीण सड़क के उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन संबंधी संस्थाओं की संरचना, शक्तियां, कर्तव्य एवं दायित्व, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के प्रावधान, सब कुछ दे दिया है। तो ये चीज अब आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, किसी भी आप देखे कोई भी सिलेबस जारी हो रहा है UPSC के द्वारा, तो एक बड़ा ही बेहतरीन काम ये आयोग के द्वारा किया जा रहा है। अब यही चीज क्या हो जाए, समय पर लगातार चीजें हो जाए तो बहुत बेहतर है। अच्छा, इसमें जिनको कंप्यूटर संबंधी मान लीजिए जो है वो चाहिए कि आपको सेकेंड फेज के लिए कंप्यूटर पढ़ना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या जिन्हें भी आपका फर्स्ट फेज के लिए कोई चीज चाहिए तो आप जरूर वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर आपको चीजें जो है उपलब्ध करा दी जाएंगी। कंप्यूटर के लिए आपका चूंकि सेकेंड फेज है, तो सेकेंड फेज में तो आपको न्यू बैच मिलेगा ही मिलेगा इसके लिए, जितनी चीजें हैं कंप्यूटर की। अभी फर्स्ट फेज के लिए जो आपकी चीजें हैं वो इस हिसाब से हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज जब हम इसमें बात करते हैं, जैसे दूसरा जो आपका जारी हुआ है दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की बात करते हैं, तो दंत स्वास्थ्य विज्ञानी में 288 पद थे, ठीक है, दूसरा जो है 288 पद थे, और PET के माध्यम से यह आपका जो है आया हुआ था फॉर्म। इसके लिए जो आपका एक तरीके से पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसमें क्या है कि आपका 100 अंकों की परीक्षा होनी है, ठीक है, और परीक्षा MCQ बेस्ड होगी, 1 अंक का होगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, निगेटिव मार्किंग है 1/4। इसमें आपका सीधा सीधा विषयगत ज्ञान 65 अंक का है, जो 15 अंक है 15 अंक आपसे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा पूछेगा, और बाकी जितने अंक बच रहे हैं वो आपका कंप्यूटर का जो है सामाजिक प्रौद्योगिकी समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार, ये 15 अंक ले लिया है कंप्यूटर वाला, ठीक है, और 20 अंक आपका उत्तर प्रदेश लिया है, 100 प्रश्न आपके ये हैं, ठीक है। इनमें पूरी चीजें दी है पाठ्यक्रम में कि क्या है विषयगत ज्ञान में क्या क्या पढ़ना, एनाटॉमी, जनरल एंड डेंटल, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी पढ़नी है, फार्माकोलॉजी जनरल एंड डेंटल पढ़नी, पैथोलॉजी पढ़नी, जो है बायोलॉजी देखनी है, डेंटल रेडियोलॉजी, सारी चीजें उसने लिख दी हैं बहुत बेहतरीन ढंग के साथ, और कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है उसको भी इसने जो है पूरी तरीके से मेंशन कर दिया है। तो ये पाठ्यक्रम आपका इसका है। वहीं पर बात करते हैं अगले पाठ्यक्रम की, तो तीसरा जो आपके सामने जारी हुआ है वह है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए कुल आपके जो पद आए थे ये 382 पद थे, टोटल नंबर आप जो पोस्ट थी इसमें 382 थी, और ये भी आपका आवेदन, ठीक है, पहले ही चल चुका है आपका 27/9/2023 तक। अब इसमें से जब हम बात करते हैं जैसे कि इसके लिए पाठ्यक्रम आपका क्या है एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, तो देखिए इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें 100 प्रश्न टोटल आने हैं, यह ध्यान दीजिएगा, और 100 प्रश्न इसमें MCQ बेस्ड होंगे, 1 उत्तर सही होगा तो 1 मिलेगा, गलत होगा तो 1/4 निगेटिव होगी। इसमें बात करते हैं कि क्या आपका सिलेबस है और किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें अगर देखा जाए सबसे पहले क्या किया है कि भैया एक तो आपका विषयगत ज्ञान से 65 अंक रखे हैं इसने, ठीक है, 65 प्रश्न 65 अंक के। दूसरी चीज कंप्यूटर से आपका 15 प्रश्न है 15 अंक के, और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी में 20 प्रश्न 20 अंक के लिए, मतलब 100 प्रश्न 100 अंक के लिए है, ठीक है, और इसमें पूरा दे दिया है उसने कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, सब कुछ बाकायदा अच्छे से लिख दिया कि पार्ट 1 जो विषयगत ज्ञान है इसमें आपके 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट से आपके 65 प्रश्न बनेंगे, और भाग 2 का भी इसने पाठ्यक्रम लिख दिया है, और साथ ही साथ भाग 3 का भी पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश वाला भी जारी कर दिया है।
तो जिन्होंने फॉर्म डाल रखा है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। देखो जब किसी भी परीक्षा में यह होता है कि जब अपने सामने पाठ्यक्रम नहीं होता है तो हमारे सामने ऊहापोह की स्थिति होती है, हम किधर जाएं क्या पढ़ें ये नहीं पता होता। अब तो उसने पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया, साथ ही साथ आपका यह भी कर दिया कि जो है पाठ्यक्रम के साथ वह बिंदु कहां तक कवर होगा यह भी जारी कर दिया। और कोई भी परीक्षा जो स्पेशलिस्ट एक तरीके से किसी चीज में आपकी स्पेसिफिकेशन मांगी जा रही उसमें आपके सफल होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें अगर देखा जाए कॉम्पिटिशन तो कॉम्पिटिशन आपका काफी कम होता है। ठीक है, तो जिन्होंने फॉर्म डाल रखा है मेहनत अच्छी शुरू कर दीजिए क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। कुछ चीजें ऐसी हैं विषयगत ज्ञान आपको पहले से है, कुछ में ही मेहनत करनी है, उस पर थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे फट से सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, आगे कोई भी अपडेट होती है तो उस बारे में आपको जरूर सूचना दूंगा। कोई भी आपको किसी कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी चाहिए तो नीचे संस्थान के नंबर चल रहे हैं उन पर कॉल करिए, या कोई कोर्स पर्टिकुलर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, वहां पर आपको सूचना दी जाएगी। और अन्य कोई अपडेट के लिए आप परीक्षा प्लस के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको समय पर विभिन्न आपकी संस्थाओं के द्वारा कोई भी ऐसी भर्ती की सूचना है तो वह आपको प्राप्त हो सके। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा ले रहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।